या हाय, गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एक्चुअली मेरा जो कंसर्न था आप लोगों से बात करने का, एक्चुअली मेरा टॉपिक है रोज़गार को लेके। रोज़गार के क्षेत्र में आप लोग देख रहे हो कि यार बिहार कितना पीछे है। बिहार में कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर जाके काम कर रहे हैं, उनको ढंग का नौकरी नहीं मिल पा रहा है अपने एक लोकल एरिया में। वो सब बाहर जाके कर रहे हैं, बाहर जाके कुछ पैसा कमा रहे हैं। तो उनसे लिटरली उनसे पूछा जाए तो अगर वो उस सैलरी में उस जॉब में खुश हैं तो वो मैक्सिमम आपको नंबर्स निगेटिव मिलेंगे। क्योंकि वहाँ पे जो बाहर जगह है वो महंगा है, वहाँ पे सब कुछ आपको खुद अरेंज करना पड़ता है। कंपनी सैलरी देती है तो सैलरी बस सैलरी कंपनी से आती है, ख़त्म हो जाती है। ना बच्चे सेविंग कर पाते हैं, ना घर पे दे पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा क्राइसिस है जिससे बच्चे बाहर जाके काम कर रहे हैं। ठीक है, और मेरा मेन कंसर्न ये है कि रोज़गार के क्षेत्र में मैं बिहार में बदलाव चाहता हूँ, और इस बदलाव में आप लोग हमारा सहयोग करें। या उम्मीद भी करता हूँ कि साथ ही साथ आप लोग का सलाह भी मुझे चाहिए, ताकि मुझे और क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे ओपनिंग्स, कैसे कैसे जॉब्स बिहार में लाने चाहिए। ठीक है, ताकि रोज़गार में बदलाव हो सके। और जो छात्र छात्राएं हमारे भाई बहन हैं जो बाहर जाके अपना काम कर रहे हैं भरण पोषण का, उनको हम लोग उनके बिहार में ही उनको उनके लिए कुछ ऑप्शंस लाएं। ठीक है, और हमारी टीम है, हमारी टीम एक्टिव है, जो लोगों से मिलती हैं, उनसे कांटेक्ट करती है, उनको प्लेस करती है। ठीक है, तो हमें हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग रोज़गार प्रोवाइड करें। क्योंकि हम बता रहे हैं, जैसे कि आप लोग के घर में हैं, चाहे कोई भी हो, अगर आपका फाइनेंशियल इशू सही है तो आप लोग अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। ठीक है, मान के चलो घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों में से 3 लोग कमाने वाला है। एवरेज सैलरी चलो 10,000 रुपये मिल रहा है, 3 लोग कमा रहे हैं, 30,000 का महीना घर में आ रहा है। तो 30,000 वो आएगा आपके घर में, तो उससे आपके घर का विकास होगा, आप आगे बढ़ोगे, आपका गांव आगे बढ़ेगा, आपका मोहल्ला आगे बढ़ेगा, आपका शहर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यही है कि सरकार सरकार के भरोसे मत बैठो, खुद अपना ही करना पड़ेगा, खुद अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। ठीक है, हमारे जैसे एक क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे दशरथ मांझी को, जो माउंटेन मैन थे, हैं एक्चुअली, वो अब नहीं रहे। उन्होंने एक बात कहा था, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो वही हमारा संकल्प है, जब तक हम हर एक आदमी को, हर एक जो मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके लिए जब तक हम उनको नमक रोटी का जरिया ना दे दें, तो फिर तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मेरा मकसद यही है, और यही चाहते हैं कि आप लोग आओ, आप लोग आकर सपोर्ट करो। अपने आसपास जो भी आपके रिलेटिव हैं, नेटिव हैं, नए हैं, तो आप लोग बताओ कि हाँ भाई, कि हाँ कोई है जो ये काम कर रहा है आप लोग के एरिया में।